नमस्कार। आज हम चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो जनरली हम जब चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा का शब्द बोलते ही है ना, तो हम बोलते साथ ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई रेखा निकलेगी चंद्रमा से और शनि पर पहुंच जाएगी। इसको हम बोलेंगे चंद्रोदित भाग्य रेखा। सत्य है, यही है चंद्रोदित भाग्य रेखा। किंतु क्या एक ही प्रकार से होगी? नहीं, ये मुख्यतः चार प्रकार की कंडीशन इसके होते हैं, स्थितियाँ होती हैं इसकी, ठीक है? उन चार में से तीन जो है वो मुख्य रूप से चंद्रोदित भाग्य रेखा कहलाती है, और जो चौथा प्रकार है वो एक आपवादिक स्थिति है जिसको भी भाग्य रेखा के समतुल माना जाता है, ठीक है? वो भाग्य रेखा से भी श्रेष्ठ है ऐसा कहा जाता है। तो वो चारों प्रकार के बारे में आज हम बात करेंगे। चंद्रमा से चार प्रकार की भाग्य रेखाएँ निकलती हैं, ठीक है? और इनका फल भी अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो चलिए पहले ही स्थिति पे ही जो बनाया हुआ है उस पर ही बात करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप पामिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं। आपको ये बहुत मज़ा आएगा, ये टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, ठीक है? चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत लोगों के हाथ में होती है, और बहुत लोगों का यूट्यूब में सुन के या किसी से भी सुन के आपके दिमाग में यही होता है कि विवाह के बाद भाग्योदय होगा, ठीक है, घर से दूर जाके भाग्योदय होगा, बहुत सारी बातें हैं इसके। तो ये बातें जितना भी सुनते हैं ना आप, सब सही हैं और सब गलत भी है, ठीक है? आप बहुत लोगों के अपने हाथ में आप देखिए, आपका भाग्योदय हो सकता है विवाह के बाद में और ख़राब हो गया होगा, या हो सकता है विवाह के पहले ही भाग्योदय हो गया होगा। तो कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थितियाँ बदलती हैं, आज सब पे बात करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझना है। रेखाओं को आप याद नहीं कर सकते, हजारों लाखों रेखाएं हैं, है ना? तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले हमको, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा से कोई रेखा निकल के शनि पे जाती है ना, तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा का तीन भाग होता है। जैसे आपको पता होगा चंद्र पर्वत होती है ना, ये मान लो चंद्र पर्वत है आपका, ठीक है? इस चंद्र पर्वत के तीन हिस्से होते हैं। पहले हमको ये समझना है कि इस तीनों हिस्सों में से आपकी भाग्य रेखा निकली कौन से हिस्से से है। ये यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है ना? तो निकली कहाँ से पहले ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं तो अलग अलग मायने होगा उन हिस्सों का, और उनका प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। अब क्या क्या प्रभाव है, जो पहला वाला हिस्सा देख रहे हैं ना ऊपर वाला, वन, ये टू पकड़ लो, इसको थ्री पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो पहला हिस्सा जो है ना आपकी कला को बताता है, आपके अंदर में हुनर क्या है, आपके अंदर में कला क्या है, कोई कौशल क्या है आपके अंदर में, उस चीज़ को बताता है। तो ऐसी अगर भाग्य रेखा होगी तो ऐसे लोग कला के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से, अपना कौशल के माध्यम से अपना भाग्य का निर्माण करते हैं, ठीक है? इनका ये शनि आपका कर्म है और ये आपका टैलेंट है, जो आपके अंदर कला हो, चित्रकारी हो, ठीक है? ऐसी कला जो होती है जनरली इमेजिनेशन से जुड़ती है, क्योंकि चंद्रमा कल्पना का कारक है ना। तो जैसे कोई कविता लेखन वखन करता है, ठीक है, उसके में ऐसा मिल जाएगा आपको, या कोई भी प्रकार का जहाँ इमेजिनेशन का यूज हो रहा है उस टाइप की कला, चित्रकारी भी आती है उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपोजर वम्पोजर हो गए, म्यूजिक से रिलेटेड, सब में आदमी कल्पना करके ही करता है। उस टाइप की कला का फील्ड को आप अपनाएंगे, उसके कारण से आपका भाग्योदय होगा, या उस क्षेत्र में आप अगर आप वाकई में हैं और ये रेखा है तो बहुत सफलता हासिल करेंगे, ऐसा उसको समझना है, ठीक है? दूसरा चीज़ यात्रा को बताता है, दूसरा जो घर है ना वो यात्रा का घर है। तो अब क्या देखेंगे आप, ऐसा आदमी जो बोलते हैं ना हम चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा को, घर से दूर जाके भाग्योदय होगा, अब आपको वाकई में ये जो सेंटेंस है अब सही होगा। अगर यहाँ से है तो यानी कि यात्रा को शो कर रहा है, चाहे यात्रा हो या विदेश यात्रा हो, यात्रा यात्रा है ना। अब आप घर से दूर जाएंगे तभी आपका भाग्योदय होगा, ठीक है? चंद्रमा की अगर सेकेंड हिस्से से निकल रही है तो ऐसा फल आएगा कि आपका जो भाग्योदय है घर से दूर या माता पिता से दूरी के बाद में जाके आपको भाग्योदय होगा, दूर स्थान में जाकर होगा, विदेश में जाकर भी हो सकता है, कोई भी स्थिति बन सकती है, यानी कि घर से दूरी को, यात्रा को बता रहा है अभी, है ना? अब तीसरा हिस्सा क्या होता है, ये आपके अध्यात्म का है, आपके अंदर में बहुत डीप कल्पना को है, ठीक है? कोई अनुसंधान रिसर्च वर्क हो गया उस टाइप का, कोई जिसमें कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग वाली बात आ रही है, उस टाइप का कोई हो गया, या आध्यात्मिक अनुसंधान का हो गया, ठीक है, अध्यात्म से रिलेटेड कोई, या इतिहासकार जो होते हैं, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता वगैरह, इस टाइप का जो बहुत डीप थिंकिंग पे जहाँ बात आती है या अध्यात्म पे बात आती है, वो इनका यहाँ पे निचले हिस्से पे जाके होता है,
ठीक है। तो ऐसे लोगों का आप इस तरीके से उसको वर्गीकरण करके समझना है पहले चीज़ तो, ठीक है। पहले आपको ये तो बेसिक चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी चंद्र पर्वत से ही। अब आपकी रेखाओं में क्या अंतर आएगा, कैसे आपको समझना है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले चीज़ ना, कभी भी हम बोल तो देते हैं कि ये आपकी भाग्य रेखा है क्योंकि भाग्य स्थान तक पहुँची है, लेकिन क्या ये वाकई में भाग्य रेखा है? अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपकी ये जो है ना, ये शनि की पट्टी है, यानी शनि की उंगली के निचला जो हिस्सा है ना, ये शनि की पट्टी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, शनि की पट्टी में ये चंद्रमा की ये रेखा आके घुस रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे चंद्रमा को, चंद्रमा के हिस्सा से निकल के शनि के पट्टी पे पहुँचती है, उस पॉइंट से लेके आपके यहाँ तक का जो पॉइंट होगा, ऊपरी हिस्सा, ये जो हिस्सा होगा, ये आपका भाग्य रेखा, मेन भाग्य रेखा ये है। उससे पहले की रेखा आपकी चंद्र रेखा भी कहला सकती है ना। मैं अगर ये बोलूँ कि चंद्र रेखा शनि को छू रही है, या बोलूँ कि शनि की रेखा चंद्रमा को छू रही है, दोनों का अर्थ अलग हो सकता है ना, बस वैसे ही है। तो ये क्या है आपका, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी माँ है, आपकी स्त्री है, अपोजिट जेंडर है, ठीक है ना। वैसे ही आप देखेंगे चंद्रमा यात्रा है, ठीक है। चंद्रमा और लिक्विड प्रोडक्ट का कुछ बिजनेस हो सकता है, ऐसी चीज़ों को भी बताता है। तो लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग भी चंद्रमा से देखते हैं हम, है ना। तो ये आपको कोई ना कोई जीवन में किसी न किसी का सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग के बाद से आपके जीवन में भाग्योदय होगा, ठीक है। अब ये क्या सहयोग, जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई आदमी इसी पॉइंट का जो एज आएगा इसका, इसी एज में वह व्यक्ति विवाह करता है संयोगवश, और विवाह करने के बाद में उसके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम बोल क्या देते हैं, विवाह के बाद में आपका भाग्योदय होगा। किंतु ये एकदम सही पॉइंट है कि ऐसा बोलना नहीं है। जो निचला हिस्सा है ना, ये आपकी माता को ही इंडिकेट करता है। सबसे निचला हिस्सा जो आपका अंदर में जो ममत्व है, उसका कोई थाह नहीं है ममता का, है ना। तो ममता की थाह नहीं, इसीलिए उसको निचले हिस्से में रखा जाता है चंद्रमा के। बहुत डीप थिंकिंग है वो। तो अगर निचले हिस्से से ही चंद्रमा निकल के जा रही है, तो ऐसे लोगों को स्त्री का सहयोग मिलता है या माता का सहयोग मिलता है, ठीक है। और ऐसे लोगों का भाग्योदय जनरली विवाह के बाद में देखा जाता है। अब सबके लिए ये सेंटेंस कह देना सही नहीं होता है ना। तो अब मान लो निचले हिस्से से ही जा रहा है उसका, लेकिन वो आदमी विवाह किया ही नहीं, कुंवारा आजीवन, तब तो फिर ये सेंटेंस गलत हो गया ना। तब फिर वो क्या होगा, हो सकता है उसको उसकी माता या उसकी बहन या उसके उसके जीवन में कोई ना कोई अपोजिट जेंडर का उसको हेल्प मिला हो, या उन्होंने उसको रास्ता दिखाया हो, उनका मार्गदर्शन किया हो, उसके कारण से उसका भाग्योदय हुआ हो, ऐसी कोई भी स्थिति उसको ये बताता है। तो केवल आपको ये नहीं कह देना है देखते साथ कि घर से दूर में जाके भाग्योदय होगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, ये चीज़ें कह देना गलत हो जाएगा। तो अपने को बारीकी से इसको चेक करके देखना है पहले तो, है ना। चलिए दूसरी आगे बात करते हैं। अब दूसरी स्थिति आप क्या देखते हैं कि एक रेखा चंद्रमा से निकली और शनि पर्वत पर जाते जाते ये मुड़ गई, और कहाँ चली गई, सूर्य पर चली गई, या तो पूरी सूर्य पर चली गई तो भी ठीक है, या फिर सूर्य की तरफ मुंह कर ले खाली, जैसे अभी ये मुंह कर रहा है, सूर्य के पर्वत पर पहुंचा नहीं, खाली निहार रहा है सूर्य पर्वत को, ठीक है। शनि पर्वत पर है लेकिन सूर्य को निहार रहा है। ऐसी अगर आपको भाग्य रेखा मिले, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अब सूर्य क्या है, आपकी मान प्रसिद्धि, ठीक है ना, आपका स्वाभिमान है। ये मान प्रसिद्धि को पॉइंट पकड़ के समझिए, ज़्यादा से अच्छा रहेगा। शनि आपका कर्म है, ठीक है, और मान लेते हैं आपको ये ऊपरी हिस्सा से निकल के गया है, या फिर कहीं भी हिस्से से निकल के गया, उससे संबंधित आप, मैं थोड़ी देर के समझाने के लिए मैं कला पे बात कर लेता हूँ, आप कोई भी हिस्से को बाकी रिलेट करके समझ जाइएगा पॉइंट वाइज। मान लेते हैं कला पे है, अब ये इसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, हुनर है, इसकी कला है, उस कला में इसने कर्म किया, इसका कर्म का क्षेत्र कला बना, उस कला के क्षेत्र से अब इसको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ऐसे लोग जनरली आपको क्या मिलेंगे, कोई ना कोई कलाकार मिल सकता है, ठीक है, जो किसी न किसी कला क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होगा, उस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेगा, उच्च लेवल की सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान
भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, सूर्य है ना, तो मान सम्मान रिकॉग्निशन मिल रहा है उसको पब्लिक का, ऐसी चीज़ों को आप समझ सकते हैं इसको देख के। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य रेखा है, पहले वाले भाग्य रेखा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्य रेखा ये कहलाती है, ठीक है। ऐसे लोग आप देखो, सूर्य शासन प्रशासन को भी बताता है। तो अपने से जो ऊंचे औकात के जो लोग होते हैं या फिर सरकारी तंत्र में जो बैठे लोग होते हैं, उन सारे जो वरिष्ठ लोगों हैं, जो मान सम्मानित लोग हैं, उनका ऐसे लोगों का अटैचमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ में इनका उठना बैठना या कोई भी प्रकार से संपर्क को बताता है, जिसके कारण से इनके भाग्योदय में और आसानी होती है या भाग्य में वृद्धि होती है और सफलता को हासिल करते हैं। तो वरिष्ठ जनों का, पिता का, ये सारे चीज़ों का विशेष आशीर्वाद को ये बताता है ये रेखा, बहुत अच्छी रेखा है, ठीक है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी अगर हैं तो उच्च स्तर पे पदासीन होते हैं, अच्छे बड़े ओहदे पे पदासीन होते हैं ऐसे लोग, अगर सरकारी नौकरी में है तो, ऐसा भी आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब तीसरी टाइप की भाग्य रेखा के बारे में बताता हूँ। अब ये यहाँ से निकली, शनि पे जाके फिर गुरु पे मुड़ गई। अब देखो, चंद्र है, ये गुरु है। अब ये प्रॉपर तरीके से जो कुंडली में आप देखते हैं ना, गज केसरी योग, अब ये प्रॉपर तरीके से गज केसरी योग है हस्तरेखा में, इसको हस्तरेखा में गज केसरी योग बोलते हैं। अब गुरु किसका कारक है? गुरु आपकी अंदर में प्रधानता, आपके अंदर में लीडरशिप है ना, आपका उच्च शिक्षा, तो ये वरीयता प्रदान करता है आपको। तो शिक्षा के मामले में हो सकता है आप ऐसे बच्चा अगर यात्रा के बीच वाले पोर्शन से निकल के जा रहा है, तो यात्रा तो जाएगा और किसके लिए जाएगा, पढ़ाई करने के लिए जा सकता है, तो फॉरेन में जाके स्टडी कर लेगा, ठीक है, उच्च शिक्षा हासिल करेगा। कहाँ पे? दूर जाके, तो फॉरेन में जाके उच्च शिक्षा हासिल कर सकता है, या घर से दूर में जाके कहीं पढ़ाई लिखाई करेगा और उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई करेगा। जनरली आजकल सबके बच्चे यही करते हैं, लेकिन जिस बच्चे के हाथ में ऐसी रेखा है, ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में ये रेखा का पूरा फल कब मिलेगा? जब दोनों पर्वत अच्छे हों, गुरु का पर्वत अच्छा हो और चंद्रमा का पर्वत अच्छा हो। अगर पर्वत खराब है तो उसका फल में बहुत न्यूनता आ जाएगी, बहुत कम फल मिलेगा, या हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। पर्वत का पहले पर्वत को देखना है, बाद में रेखा को देखना है, पर्वत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको गज केसरी योग का निर्माण किया, तो ऐसे इंसान जहाँ पे भी हाथ पैर डालेंगे सफलता 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 और सफलता को हासिल करते जाते हैं। अब गुरु आपकी महत्वाकांक्षा है, देखिए इसमें सफलता का राज क्या होता है उसको समझना है अपने को। खाली गज केसरी योग बोलने से हम बच नहीं सकते, ठीक है ना, हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये क्या है? आपकी महत्वाकांक्षा है, ठीक है। गुरु आपकी महत्वाकांक्षा कारक है, आपके अंदर में इच्छा शक्ति का कारक है। और चंद्रमा क्या है आपके अंदर में? कल्पना शक्ति का कारक है, आपका मानसिक बल है ना, आपकी मानसिक एबिलिटी है। अब आप देखिए, कल्पना शक्ति का मेल हो रहा है इच्छा शक्ति से, कितना गजब का योग है ये। अब आदमी के मानसिक बल, जो मानसिक रूप से जो परिपक्वता है उसके अंदर में, उसमें इच्छा शक्ति का समावेश हो जाए तो आदमी के अंदर एक जुनून पैदा करेगा। ऐसा इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करेगा। अब इसमें भी एक कंडीशन आएगा, अब यहाँ से जैसे मैंने जोड़ दिया, चलिए यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम। अभी मान लेते हैं पर्वत अच्छा है, ये भी पर्वत अच्छा है, ये रेखा पूरी अच्छी है, कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या बहुत अच्छी सफलता आप हासिल करेंगे क्या? आप सफलता तो ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी या बहुत बड़ी, वो डिपेंड करेगा आपके मंगल पे, ठीक है। अब मंगल कहाँ से इसमें बीच में घुस गया? कारण है, ये आपकी इच्छा शक्ति है, ये आपकी मानसिक, जो आपके अंदर जुनून पैदा हो गया इन दोनों के समावेश से, ठीक है। कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति के कारण से जुनून पैदा हो गया। अब वो जुनून पैदा हो गया तो खाली जुनून पैदा होने से हम सफलता मिल सकती है क्या? नहीं। अब हमको परिश्रम को, हमारा जो संघर्ष है, हमारे पराक्रम है, वो हमारा मंगल है। तो अगर हमारा मंगल अच्छा है, मंगल का पर्वत हमारा अच्छा है, तब हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हमको संघर्ष करने की भी शक्ति मिल रही है मंगल से, हमारे को पराक्रम दिखाने का भी शक्ति मिल रही है मंगल को। तो ये सारा चीज़ जो योग बना, ये योग हमको बहुत ऊँचे लेवल में लेके जाएगा। ऐसे लोग बड़े राजनीति में, क्योंकि शनि से होके गुजर रहे हैं ना, तो शनि राजनीति का भी कारक बनता है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन बन रहा है शनि और गुरु का, तो पब्लिक गैदरिंग की तरफ में भी इशारा है। तो ऐसे लोग राजनीति अगर करें तो राजनीति में बहुत उच्च सफलता हासिल करते हैं, या अगर राजनीति नहीं करते हैं, कोई दूसरा काम भी करते हैं, तो जो भी काम करेंगे ये अपने फील्ड में बहुत अच्छी स्तर की सफलता को ये हासिल करते हैं। बहुत बेहतरीन रेखा है ये, जो अब तक मैंने जो दो बताया ना, अब ये तीसरा है, तो उससे भी श्रेष्ठ हो गया ये, सबसे श्रेष्ठ रेखा मैं इसको कहता हूँ, श्रेष्ठ कंडीशन है,
ठीक है, हर चीज़ में ज्ञानी तो होता ही है इंसान, लोगों का सहयोग मिलता है, पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, ऊंचे ओहदे में बैठे लोगों का सपोर्ट मिलता है, नीचे से ऊपर तक सब प्रकार के लोगों का इनको सहयोग मिलता है जीवन में, इनको लोगों के सहयोग के कारण से इनके जीवन में सफलता हासिल होती चली जाती है, इनको पता भी नहीं चलता, चीज़ें रास्ते इनके आसान होती चली जाती हैं। बहुत अच्छी रेखा है ये, ठीक है। उच्च पद में ही आपको मिलेंगे ऐसे लोग, राजनीति में मिलेंगे, कोई फर्म फैक्ट्री के मालिक मिलेंगे, या संचालन क्षमता देता है ना गुरु, संचालन क्षमता है, ठीक है। तो ऐसे लोग संचालन क्षमता, यानी कि कोई डायरेक्टर CEO इस टाइप के लेवल में भी मिल सकते हैं आपको, या फिर कोई जिलाधीश हो गया, बड़े स्तर की सफलता, बस ये समझो जो बहुत लोगों को हैंडल करे, ऐसी सफलता को ये बताता है। अब एक और चीज़ बताते हैं। अब देखिए इसमें जो चौथी प्रकार की मैं भाग्य रेखा की, जिसको जो अपवादी की स्थिति बता रहा था मैं, एक ऐसी रेखा होती है जो चंद्रमा से निकल के सीधा गुरु पे चली जाती है। अब इसको आप बोलोगे ये कहाँ से भाग्य रेखा हो गया, भाग्य रेखा तो आप इसको बोलते हो, फिर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। मैंने कहा ना ये भाग्य रेखा है, अपवादी की स्थिति है, मैंने कभी नहीं कहा कि एकदम क्लियर कट भाग्य रेखा, मैंने कहा इसको भाग्य रेखा के समतुल्य है, या फिर बोलो उससे भी श्रेष्ठ कहूँ तो ख़राब नहीं, अच्छी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में है तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और ये भी देखो ना, इसमें भी इच्छा शक्ति और मानसिक आपकी जो एबिलिटी है वो दोनों का कनेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, जो गजकेसरी योग में बन रहा था ये भी गजकेसरी योग है, चंद्र गुरु का कनेक्शन तो ये भी है ना, ये भी वही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सीधी रेखा जाके गुरु पे पहुंच रही है, तो इसमें ना एक विशेष बात क्या आती है इस लोगों के साथ में। अब ये तो मान लेना कि उच्च जबल के जो मैंने अभी पिछली लाइन में गजकेसरी योग के बारे में जो बताया, वही फल इसका भी है, फल में कोई अंतर नहीं, ठीक है। बस इसमें एक विशेष बात आती है कि ऐसे लोगों का जिंदगी में प्रोग्रेस किसी अपोजिट जेंडर के कारण से होता है। अब वो अपोजिट जेंडर इसकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बीबी हो सकती है, या कोई लेडी बॉस हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि इनको अपोजिट जेंडर का जीवन में सहयोग ना मिला हो। वो जो सहयोग इनको मिलता है वो इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, और वहाँ से ये बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, और जहाँ पे भी हाथ लगाते हैं वहाँ पे ये सफल होते हैं, बशर्ते मंगल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जुनून पैदा करना है इसका काम, ये रेखा का काम खाली काम है जुनून पैदा करने का, सफलता की चाह पैदा करने का। और ज्ञान तो भर देता है, चंद्रमा और गुरु जब कनेक्ट हुआ तो ज्ञानी तो होगा ही वो व्यक्ति, ठीक है, उच्च शिक्षा हासिल करेगा ही। लेकिन अगर मंगल भी अच्छा हो गया तब फिर वो अपनी शिक्षा का, अपने जो ज्ञान है उसका भरपूर इस्तेमाल करके बड़ी ऊंची लेवल की सफलता हासिल करता है। और ऐसे लोगों का एक और ख़ास बात है, ऐसे लोगों की माता, उनका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है इन बच्चे के लिए या इस व्यक्ति के लिए, उसकी माता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके भाग्य निर्माण में, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। माता का विशेष स्नेह मिलता है। और एक और बात है, ऐसे लोगों की पत्नी, ठीक है, ऐसे लोगों की पत्नी बड़ी ही सदचरित्र मिलती है इनको, एक बहुत अच्छी की बात यहाँ पे आती है, बहुत अच्छी, मतलब समझो कि ये जैसा ये चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही पत्नी इनको, जो ड्रीम गर्ल बोलते हैं ना हम लोग, ऐसी इनको मिलती है। और इनकी जो पत्नी होती है वो भी भाग्यशाली होती है, यानी कि कुछ धन अर्जन का कार्य वो भी करती है, चाहे वो नौकरी कर ले, चाहे साथ में पैरेलल बिजनेस कर ले, या फिर इनके साथ में ही कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, लेकिन उनका वो भी आय प्राप्त करती हैं, यानी कि उनका भी धन का आगमन होता है, नौकरी पेशा वाली वो भी होती है, तो दोनों साइड से इनको सपोर्ट मिलता है। और पैरेलल एक गाड़ी के दो पहिए के बराबर ये चलते रहते हैं, बहुत गजब का तालमेल, गृहस्थ जीवन अति सुखमय, संतान श्रेष्ठ तेजस्वी संतान के पिता, ये सारा सौभाग्य इनको मिलता है, बहुत उत्तम रेखा है, ठीक है। तो ये चार प्रकार की हमने आज अपने वीडियो में जाना है कि चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में, ठीक है। तो केवल अब से अपने को ये नहीं सोचना है कि यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकल गई तो विवाह के बाद में भाग्योदय होगा, ज़रूरी नहीं है भाई साहब, है ना, हो सकता विवाह ही ना करे तो क्या असफल हो जाएगा, नहीं, आपको ऐसा सेंटेंस यूज करने से पहले बाकी कंडीशन को भी मैच कर लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़, घर से दूर में जाके भाग्योदय होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको देखना है। अगर मान लो जैसे पहले कंडीशन में ये कला के पॉइंट से निकल रहा है, कला के पॉइंट से निकल के ये भाग्य रेखा गया है, तो
तो अब वो कला तो घर में भी कर सकता है ना, घर के बाहर जाए जरूरी नहीं है। हो सकता है उसकी कला का व्यापक क्षेत्र उसके घर के बाहर तो होगा ही, तभी तो जान पहचान बनेगा उसका, लोगों के बीच में उसका टैलेंट आएगा, वो अलग इशू है। लेकिन ये घर के बाहर जाए, माता पिता से दूर जाए, तभी इसका भाग्योदय होगा कहना ये सही नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा रेखा का मतलब पर्वत की जो तीन स्थितियाँ हैं, जो तीन भाग हैं, उससे हमको बहुत बेसिक चीज़ मिल जाता है। हालांकि कभी कभी पजल होता है आपको, तीनों स्थिति में भी कभी कभी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है किसी किसी के लाइफ में। तो एक रेखा पे हस्तरेखा नहीं होती है, पूरा हाथ आपको डिटेल से देखना पड़ेगा। और जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी मिल रही है जिस चीज़ की, फिर आप उस चीज़ पे जाके बता सकते हो कि हाँ आपके साथ में ये घटना हो रही है, ठीक है। अनुमान आप वहाँ से लगा सकते हो, केवल एक रेखा को देखने से हम 70% अनुमान लगा सकते हैं, बाकी 30% वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को भी गौर करते हुए फलादेश देना है। जैसे अभी मैंने एक जस्ट बताया आपको इस रेखा के बारे में, तो इसको बताने के लिए मैंने मंगल को बीच में घुसाया। अब ये मंगल नहीं घुसाऊंगा तो इस रेखा का पूरा जो फल बोलूंगा, जो भी मैं बोलूंगा, वो आधा सत्य होगा ना, पूरा सत्य तो होगा नहीं। आप पराक्रम ही नहीं करेगा, खाली जुनून लेके बैठे रहेगा, बड़ी बड़ी सोचते रहेगा बिस्तर पे ही, कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए मंगल उत्तम होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये आदमी को खाली, अगर मंगल ख़राब है इसका, दोनों मंगल ख़राब है और ऐसी रेखा है, तो बस वो प्लानिंग प्लानिंग और प्लानिंग ही करते रहेगा, एग्जीक्यूशन पर ध्यान ही नहीं उसका, ठीक है। वो फिर वो कहाँ से सफल होगा, फिर अच्छी रेखा होने के बाद भी सफल नहीं होगा। जब कोई आएगा पर भरोसे जीते रहेगा, कोई आदमी आके मदद कर दिया तो ठीक है भाग्यवश, कोई मदद नहीं किया तो फिर वहीं का वहीं अटके रहेगा, ऐसी स्थिति को बताता है। ऐसे लोग पर भरोसे होते हैं, अगर मंगल ख़राब हो तो, ठीक है, दूसरे के भरोसे जीना पसंद करते हैं, टाल मटोल करना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ और बात बताता हूँ जो समझना इम्पॉर्टेंट है, जो आपवादिक स्थिति है, ठीक है। देखो, एक होता है रेखा का शुद्ध होना, एक होता है मलिन होना। मैं बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है, तो रेखा की मलिनता बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जाएगी। रेखा अगर मलिन है तब फिर प्रॉब्लम का बात आता है। वो कैसे होती है, जैसे मान लेते हैं इस व्यक्ति का, मैं रेखा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस व्यक्ति का विवाह के बाद में भाग्योदय होगा, ऐसी स्थिति बनी है इसके हाथ में, ठीक है। अब उसको अगर आपने बोला कि आपके बाद आपका विवाह के बाद में आपका भाग्योदय हुआ, वो आपको तुरंत लगा बड़ी गुस्से से देखने, गाली देने, बोला कि मेरा विवाह के बाद जीवन नरक हो गया और तू बोल रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई, तो कारण क्या होता है उसका। अब देखिए, जैसे इस एज में इसका विवाह हुआ, बिल्कुल सटीक एज में, और विवाह के बाद में जो भाग्य रेखा इसकी उत्तम कंडीशन में चल रही थी, अब वो भाग्य रेखा एकदम फैल गई, अचानक से बहुत भाग्य रेखा फैल गई, या टूट बन रही है, या द्वीप बन गया, या कट लग रहा है, या फिर उसमें दाग बन गया, ऐसा कोई भी प्रकार से भाग्य रेखा दूषित हो रही है, जहाँ पे ये मैल हो रहा है वहाँ पे, जहाँ विवाह का पॉइंट भी वही पॉइंट है, तो विवाह के बाद में भाग्य रेखा फैल गई, मतलब उसका गृहस्थ जीवन भाग्य रेखा है। आपकी भाग्य रेखा आपको गृहस्थ जीवन को भी बताती है ना। तब ऐसे लोगों का विवाह के बाद में जीवन नरक हो जाता है, भले ही धन कमा ले वो अलग बात है, भले ही धन कमा ले अलग बात है, तो वो विवाह के बाद में नरक वाली स्थिति, ये स्थिति को भी बता देता है, ठीक है। या बोलो कि पत्नी के आने के बाद में बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया, विवाह के बाद में मेरा पूरा बिजनेस डूब गया, नौकरी चली गई, तो ये भी हो सकता है। भाग्य रेखा फैल गई, दूषित हो गई, तो धन का आगमन बंद हो गया, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। या तो भाग्य पे मार पड़ जाएगी, यानी कि आपकी गृहस्थ जीवन पे मार पड़ जाएगी, या फिर आपको धन संबंधी मामले में मार पड़ जाएगा, और कभी कभी तो दोनों पड़ जाता है, कभी कभी दोनों पड़ जाता है। तो अपने को भाग्य रेखा की स्थिति अगली जो है, जो आने मतलब उसके बाद वाली स्थिति है, अगर वो ख़राब हो रही है, तो समझना है कि फिर हम नहीं बोल सकते कि भाई विवाह के बाद में आपका भाग्योदय हो गया, नहीं, तब तो फिर वो तो फिर गुस्सा हो ही जाएगा, जिसके ऊपर बीता है वही समझ सकता है ना उस चीज़ को। तो ऐसे आपको मैच करते हुए समझना है, रेखा की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके क्या हो रही है। आगे जाने के बाद अच्छी है तो बहुत अच्छी है, भाग्योदय हो गया होगा उसका विवाह के बाद में, और ख़राब है तो फिर भाग्योदय नहीं हुआ होगा, ऐसे उसको समझना है आपको। तो ये था आपको चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में डिटेल से, मेरे साइड से जितना मेरा ज्ञान था उतना मैंने आपको परोस दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।